नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 मार्च दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में हाजिरी बनाने को लेकर नहीं चलेगी कर्मियों की बहानेबाजी। अब इतने दिनों के अंदर नगर निगम पास करेगा आपके जमीन का नक्शा। भोजपुरी के द्विअर्थी शब्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई भिड़ंत। H3N2 वायरस को लेकर बिहार स्वास्थ्य विभाग का नया गाइडलाइन। आज खेला जाएगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का पहला मैच। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डाक विभाग ने 58 पदों पर निकाली भर्ती अधिसूचना। भारतीय डाक विभाग द्वारा तमिलनाडु सर्किल के अंतर्गत विभिन्न रीजन में स्टाफ कार ड्राइवर के कुल 58 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। डाक विभाग द्वारा विज्ञप्ति स्टाफ कार ड्राइवर पदों के लिए भर्ती अधिसूचना को उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर भर्ती सेक्शन में एक्टिव लिंक पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर डाउनलोड कर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि डाउनलोड किए गए फॉर्म उम्मीदवार को पूरी तरह से भरकर और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स की प्रतियों का संलग्न करते हुए विज्ञापन में दिए गए पते पर 31 मार्च 2023 की शाम 5 बजे तक जमा कराना होगा। आवेदन के साथ उम्मीदवारों को ₹100 इंडियन पोस्टल ऑर्डर भी संलग्न करना होगा। हालांकि एससी एसटी और महिला उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान नहीं करना है। डाक विभाग द्वारा जारी भर्ती अधिसूचना के मुताबिक उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और लाइट व हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बिहार में हाजिरी बनाने को लेकर नहीं चलेगी कर्मियों की बहानेबाजी। बिहार के सरकारी दफ्तरों में कार्य दिवस के दौरान समय से न पहुंचने या निर्धारित समय से एक घंटा बाद उपस्थिति दर्ज कराने वाले कर्मियों व पदाधिकारियों के खिलाफ सख्ती और भी बढ़ेगी। बता दें कि ऐसे कर्मियों के खिलाफ कदम उठाते हुए आकस्मिक अवकाश की कटौती की जाएगी और साथ ही अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। मालूम हो कि मुख्य सचिव आमिर शुभानी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बायोमेट्रिक उपस्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें दिशा निर्देश जारी कर कहा गया है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के मासिक विवरणी के आधार पर ही पदाधिकारियों व कर्मियों का वेतन व मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी कर्मी या पदाधिकारी की उंगली घिस जाती है तो उनकी हाजिरी आंखों की पुतली से बनाई जाएगी। वहीं अब वरीय अधिकारियों को भी स्वयं समय से बायोमेट्रिक उपस्थिति बनानी होगी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अमिताभ कुमार के बारे में। अमिताभ कुमार का जन्म आज ही के दिन 1963 में हुआ था। यह एक भारतीय लेखक और पत्रकार है जो वासर कॉलेज में हेलेन डी लॉकवुड चेयर पर अंग्रेजी के प्रोफेसर है। अमिताभ कुमार हस्बैंड ऑफ फैनेटिक, बॉम्बे, लंदन, न्यूयॉर्क, पासपोर्ट फोटोज, उपन्यास, होम प्रोडक्ट्स और इज नोबडी डू द राइट थिंग इन 2009 समेत कई किताबों के लेखक है। उनके पुरस्कार विजेता पुस्तक ए फॉरेनर कैरिंग इन द क्रूक ऑफ हिज आर्म ए टाइनी बॉम्ब, अ राइटर की रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर है। इसे एशियन अमेरिकन लिटरेरी अवार्ड्स में बेस्ट नॉन फिक्शन बुक ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया। उनके उपन्यास होम प्रोडक्ट्स को भारत के प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड के लिए सूचीबद्ध किया गया था। एक पत्रकार के रूप में अमिताभ कुमार ने न्यू स्टेट्समैन, द निश, द कारवा, द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू जैसे दुनिया भर के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए नियमित रूप से लेख लिखे हैं। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को मिलेगा 50,000 का इनाम व स्विट्जरलैंड घूमने का मौका। अगर आपका भी सपना है कि आप एक ऐसे सड़क का निर्माण करें जो बच्चों के लिए सुरक्षित हो तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 15 साल तक के विद्यार्थियों के लिए पत्र लेखन का प्रतियोगिता आयोजित करवाया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों को अपने किसी रिश्तेदार को 800 शब्दों में पत्र लिखना होगा, जिसका विषय अगर आप सुपर हीरो हो और आपका लक्ष्य एक ऐसा सड़क बनाने का हो जो पूरे विश्व के बच्चों के लिए सुरक्षित है। बता दें कि इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 25,000 और तृतीय पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएंगे और साथ ही विजेताओं को स्विट्जरलैंड का टूर भी करवाया जाएगा। इसके अलावा सर्कल स्तर पर प्रथम पुरस्कार 25,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 10,000 और तृतीय स्तर पर 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। बता दें कि इस प्रतियोगिता का आयोजन 31 मार्च तक होगा, वहीं परिणाम 6 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। मालूम हो कि यह प्रतियोगिता UPU की वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर आयोजित की गई है। इस नंबर पर दर्ज कराए पानी की समस्या की शिकायत।
अगर आपके पास भी पानी से जुड़ी कोई समस्या है तो आप उसे केवल एक कॉल करके सुलझा सकते हैं। बता दें कि पानी की समस्या को सुलझाने के लिए पीएचडी की ओर से एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिस पर कॉल कर आप अपने जिले से जुड़े पानी की समस्या को बताकर अवगत करा सकते हैं और फिर कर्मी आपकी समस्या को सुलझा देंगे। बता दें कि विभाग के द्वारा इस कॉल सेंटर की शुरुआत बढ़ती गर्मी को देखते हुए की गई है। मालूम हो कि कंट्रोल रूम के सीसीए के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है वह 1800-123-1121 है। आप इस नंबर पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से 5 बजे तक कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रिश्वतखोर के खिलाफ निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। इन दिनों निगरानी की टीम के द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जमकर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि ताजा मामला बीते दिन यानी कि गुरुवार का है, जहां निगरानी विभाग के द्वारा सूचना के आधार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाते हुए बिजली विभाग के क्लर्क को 30,000 रूपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि निगरानी के द्वारा यह कार्रवाई वैशाली के रेलवे कॉलोनी में की गई थी। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान जय कुमार के रूप में की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निगरानी को यह सूचना मिली थी कि क्लर्क द्वारा किसी कार्य को करने के लिए लोगों से रिश्वत लिया जाता है। इसी के बाद निगरानी की टीम सक्रिय हुई और कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के क्लर्क को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अब इतने दिनों के अंदर नगर निगम पास करेगा आपके जमीन का नक्शा। बिहार के लोगों को अब नगर निगम से अपने जमीन का नक्शा पास कराना बेहद ही आसान होने वाला है। बता दें कि इसके लिए अब लोगों को महीनों का चक्कर नहीं लगाना होगा। दरअसल नक्शा पास कराने के लिए अब ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है और साथ ही इसके लिए एक समय सीमा भी निर्धारित कर दिया गया है। यानी कि निर्धारित किए गए समय सीमा के अंदर ही नगर निगम के द्वारा जमीन के नक्शे को पास करना होगा। मालूम हो कि जो समय सीमा निर्धारित किया गया है वह 1 महीने का है। वहीं ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया अगले महीने से संभव है। ऐसे में अगर इस स्तर पर किसी प्रकार की लापरवाही होती है तो कार्रवाई की जाएगी। H3N2 वायरस को लेकर बिहार स्वास्थ्य विभाग का नया गाइडलाइन। दिन प्रतिदिन लोगों के बीच H3N2 वायरस को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा H3N2 वायरस को लेकर जारी किए गए नए गाइडलाइन के अनुसार इस वायरस से बच्चे बुजुर्गों समेत उन लोगों को सतर्कता बरतने की निर्देश दिया गया है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इसके अलावा इस वायरस संक्रमित मरीजों के ऑक्सीजन लेवल की मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं अगर ऑक्सीजन लेवल 90% से ज्यादा जाता है तो मरीज को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाना चाहिए। ऐसे मरीजों को ओसिल्टामिविर दवा देने की बात कही गई है। इसके अलावा दूसरी ओर अस्पतालों को यह निर्देश दिया गया है कि आइसोलेशन वार्ड में 2 बेड की दूरी कम से कम 1 मीटर होनी चाहिए। फर्जी डिग्रियों पर नियुक्त शिक्षकों को लेकर हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश। पटना हाईकोर्ट के ACJ जस्टिस CS सिंह की खंडपीठ के द्वारा बीते दिन यानी कि गुरुवार को राज्य में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों बहाली को लेकर रंजित पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। बता दें कि इस दौरान कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा गया कि वे अपने अनुसार एक समय सीमा निर्धारित करें जिसके तहत सभी संबंधित शिक्षक अपना डिग्री व अन्य कागजात प्रस्तुत कर सके। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर इस निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत किसी शिक्षक के द्वारा अपनी डिग्री या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो वैसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें कि अब इस मामले पर कोर्ट के द्वारा अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद की जाएगी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे सर्वोदय आश्रम के बारे में। सर्वोदय आश्रम नवादा जिले में स्थित एक प्रमुख घूमने वाली जगह है। सर्वोदय आश्रम नवादा में सेखो देवड़ा में स्थित है। आप यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं। यहां पर आपको प्राचीन आश्रम देखने के लिए मिलता है। यहां पर कृषि विश्वविद्यालय भी बना हुआ है। यह जगह चारों तरफ से प्राकृतिक वातावरण से घिरी हुई है। इस आश्रम की स्थापना 1952 में जयप्रकाश नारायण जी ने की थी। इस आश्रम से कुछ दूरी पर जंगल के बीच में चट्टान है जिसे JP चट्टान के रूप में जाना जाता है। 1942 के आंदोलन में यहाँ पर प्रसिद्ध नेता और क्रांतिकारी जयप्रकाश नारायण छुपे हुए थे, इसलिए इसे JP चट्टान के रूप में जाना जाता है। यह जगह बहुत सुंदर है और आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। नीतीश सरकार के खिलाफ मुखिया संघ का विधानसभा घेराव। बीते दिन यानी कि गुरुवार को बिहार मुखिया संघ के द्वारा दीर्घ लंबित मांगों को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ कई मांगों को लटकाने का आरोप लगाकर विरोध करते हुए बिहार विधानसभा का घेराव किया गया। हालांकि राज्य के अलग अलग जिलों से पहुंचे मुखिया के द्वारा विधानसभा घेराव करने की कोशिश नाकाम रह गई, क्योंकि पुलिस के द्वारा उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया था। बता दें कि मुखिया संघ का कहना है कि पिछले 1 साल में राज्य में कुल 30 मुखिया की हत्या की जा चुकी है। वहीं मुखिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर नीतीश सरकार ने हथियार का लाइसेंस जारी करने का वादा किया
गया था, लेकिन अब तक यह काम नहीं किया गया है। बता दें कि इस दौरान मुखिया संघ के द्वारा नारा लगाया गया कि जो मुखिया की बात सुनेगा वही 2024 और 2025 में सरकार बनाएगा। हालांकि बाद में मुखिया संघ के 5 प्रतिनिधियों ने सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। यहाँ के लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है और सुहाना मौसम मिजाज मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में 2 दिन और बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक प्रदेश के मौसम के तापमान में कोई बदलाव नहीं देखा जाएगा, हालांकि उसके बाद बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे में हवा की गति 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के सभी इलाकों में 17 मार्च यानी कि आज तक बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं पूर्वानुमान के अनुसार बारिश 17 और 18 मार्च को होने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा किसानों को भी अलर्ट कर दिया गया है। भगवान राम से जुड़े तीर्थस्थलों को बिहार समेत इन स्थानों का भ्रमण कराएगा रेलवे। अगर आप भी भगवान राम से जुड़े तीर्थस्थलों का भ्रमण करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल रेलवे की ओर से भगवान राम से जुड़े तीर्थस्थलों का भ्रमण करने के लिए भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन चलाई जा रही है। बता दें कि इस ट्रेन का नाम रामायण यात्रा रखा गया है, जो कि 7 अप्रैल को दिल्ली के सफदरगंज से खुलेगी और फिर 25 अप्रैल को वापस लौट आएगी। मालूम हो कि अब तक रेलवे के द्वारा इस तरह की कुल 26 ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत कर दी गई है। वहीं यह ट्रेन 27वां होगा। इस ट्रेन के माध्यम से आप जिन जिन स्थानों का भ्रमण कर सकेंगे उनमें अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, चरणपुर, बक्सर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, भद्राचलम और नागपुर जैसे जगह शामिल है। मालूम हो कि इससे पहले रेलवे की ओर से रामायण एक्सप्रेसवे चलाया गया था, जिसमें कुल 600 लोगों के द्वारा रामनगरी के दर्शन और भ्रमण किया गया था। बिहार के उदय सिंह पर बनी फिल्म इस दिन होगी रिलीज। 24 मार्च को एक ऐसी फिल्म रिलीज होने वाली है जिसमें पहली बार महानायक अमिताभ बच्चन को किसी के जीवन पर आधारित फिल्म में काम करते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वह लौंडा डांस करने वाले बिहार के उदय सिंह के संघर्षों पर बनाई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उदय सिंह महिला के रूप में पिछले 31 वर्षों से नाचने का काम कर रहे हैं। मालूम हो कि इनकी जीवनी पर बना यह फिल्म का नाम द लिपस्टिक बॉय है, जिसमें अमिताभ बच्चन के अलावा कई दूसरे दिग्गज कलाकारों ने भी काम किया है। बता दें कि इस फिल्म में नर्तकों के जीवन संघर्ष को दिखाया गया है। मालूम हो कि उदय सिंह को लोक नृत्य दिखलाने के लिए न केवल बिहार बल्कि भारत और मॉरिशस सरकार के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। सृजन घोटाले में CBI की बड़ी कार्रवाई। CBI के द्वारा बिहार के चर्चित सृजन घोटाला मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि इस मामले में CBI के द्वारा सबौर के शांति नगर मोहल्ले स्थित निजी आवास से एक और आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसकी पहचान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सृजन महिला विकास सहयोगी समिति लिमिटेड की संस्थापक सचिव सह घोटाला की मुख्य आरोपी स्वर्गीय मनोरमा देवी के निजी सचिव उमेश सिंह के रूप में की गई है। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार CBI को उमेश सिंह से कई जानकारी मिल सकती है। मालूम हो कि CBI के द्वारा उमेश सिंह को गिरफ्तार करने के बाद सदर अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया गया। इसके बाद जांच रिपोर्ट सही आने पर उसे विशेष गाड़ी से पटना ले आई गई है। वहीं CBI के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उमेश कुमार के खिलाफ CBI स्पेशल कोर्ट से गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया है। बता दें कि आज यानी कि शुक्रवार को उमेश सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। 3 घंटे में इस रास्ते पहुंचे पटना से पूर्णिया। बहुत जल्दी बिहार की राजधानी पटना से पूर्णिया जाने वाले लोगों का सफर आसान होने वाला है। बता दें कि बिहार का अपना पहला पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR बनाने की अनुमति दे दी गई है और साथ ही मंत्रालय के द्वारा DPR को बनाने को लेकर एजेंसी भी तय कर लिया गया है। बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण हो जाने से पटना से पूर्णिया की दूरी 6 से 7 घंटे से घटकर 3 से 4 घंटे में हो जाएगी। मालूम हो कि इस एक्सप्रेसवे कंट्रोल वाले ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क का निर्माण 215 किलोमीटर लंबा होगा और इसका निर्माण भारत माला फेज 2 प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सड़क पटना में कच्ची दरगाह विदुपुर पुल से शुरू होते हुए समस्तीपुर के दलसिंह सराय, रोसरा, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, उदाकिशुनगंज होते हुए पूर्णिया पहुंचेगी। CBI के सामने तेजस्वी यादव की पेशी पर RJD का केंद्र सरकार पर प्रहार। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 25 मार्च को CBI के सामने पेश होने का दिशा निर्देश दिया गया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर बीते दिन यानी कि गुरुवार को RJD प्रवक्ता शक्ति यादव के द्वारा केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला गया।
उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और उनके परिवार को जमीन के बदले नौकरी के झूठे मामले को लेकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तेजस्वी से डरी हुई है, इसलिए विपक्ष के सभी नेताओं को जेल भेजने की कोशिश कर रही है। 25 मार्च को हमारी टीम जरूर लीगल काम करेगी। सती यादव ने कहा कि 25 मार्च को तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने जरूर पेश होंगे और कोर्ट के हर आदेश का पालन करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बीते दिन अपने विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जेडीयू कभी गरीबों, पिछड़ों व शोषित की पार्टी थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग कभी राजद के आतंक से भयभीत थे, उन्हीं के रहनुमा आज राजद नेतृत्व का स्वीकार कर रहे हैं। इससे नीतीश कुमार के जीवन भर की राजनीतिक कमाई दांव पर लग गई है। स्थानीय सांसद के मन में अब यह डर आ गया है कि जिस समीकरण के आधार पर हम लोकसभा चुनाव में जाएंगे, अगर वही मेरे पास नहीं रहेगा तो हम कैसे चुनाव जीतेंगे। ऐसे में जेडीयू के परंपरागत वोटर जो जेडीयू से दूर हो रहे थे, उनकी भावनाओं को समझते हुए हमने राजद से निजात चाहने वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया। भोजपुरी के द्विअर्थी शब्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई भिड़ंत। बीते दिन बिहार विधानसभा परिषद में भोजपुरी के द्विअर्थी शब्दों और भोजपुरी गानों से अश्लीलता फैलाने को लेकर प्रश्नोत्तर काल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा किया गया। बता दें कि एक तरफ जहां सुनील कुमार सिंह के द्वारा भोजपुरी गीतों में अश्लीलता का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को भाजपा द्वारा सांसद बनाए जाने पर आपत्ति जताई गई, तो वहीं दूसरी ओर सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के द्वारा कहा गया कि जो लोग इस सदन के सदस्य नहीं है, उन पर चर्चा नहीं की जाएगी। इन्हीं बयानों के बीच सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शोरगुल चालू हो गया। वहीं बीते दिन सदन में प्रश्नोत्तर काल के दौरान जल संसाधन मंत्री संजय झा ने यह भी जानकारी दी कि नवादा में गंगा पेय जल आपूर्ति की योजना वर्ष 2023 तक पूरी कर ली जाएगी। बिहार में बढ़ते अपराध पर सम्राट चौधरी ने सरकार को घेरा। बीते दिन बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा बेगूसराय में मुखिया की हत्या और बढ़ते अपराध पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा गया। उन्होंने कहा कि अगर आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है तो उसके घर को ध्वस्त कर दीजिए। उन्होंने कहा कि आखिर घर को ध्वस्त न करने के पीछे का कारण क्या है, घर को ध्वस्त क्यों नहीं किया जा रहा। जिस पर सरकार का पक्ष रखते हुए मंत्री विजेंद्र यादव के द्वारा कहा गया कि कुर्की जब्ती के लिए न्यायालय में आवेदन दिया हुआ है, जिस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर न्यायालय से कुर्की जब्ती नहीं मिल रहा तो यह हास्यपद है। उन्होंने कहा कि हम झेले हुए हैं, मेरे खिलाफ केवल 24 घंटे में कुर्की जब्ती निकाला गया था तो अब क्यों नहीं मिल रहा, सरकार पूरी तरह फेल है। जिस पर मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि कुर्की जब्ती का आदेश देना हमारा काम नहीं बल्कि न्यायालय के आदेश का काम है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में बीजेपी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने को लेकर बीजेपी के द्वारा मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बता दें कि इसी कोशिश के तहत बीजेपी के द्वारा एक बड़ा कदम उठाते हुए देश के 65 मुस्लिम बहुल जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के 500 मोदी मित्र बनाए जाएंगे। बता दें कि इस योजना की शुरुआत 25 अप्रैल से होने वाली है। मालूम हो कि इन मोदी मित्र कार्यकर्ताओं के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों के हर मुस्लिम मतदाता के घर पहुंचने की कोशिश की जाएगी और उन तक पीएम मोदी के संदेश को पहुंचाकर भाजपा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि 65 मुस्लिम बहुल जिलों में बिहार भी शामिल है, जहां मोदी मित्र के द्वारा मुस्लिमों को भाजपा से जोड़ने का कोशिश किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले 15 मार्च को बीजेपी की ओर से सूफी समुदाय के लोगों को बीजेपी से जोड़ने के लिए सूफी संवाद अभियान की शुरुआत की गई है। खेला जाएगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का पहला मैच। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद अब भारतीय टीम आज से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने उतरेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले वनडे से नियमित कप्तान रोहित शर्मा बाहर है, उनकी अनुपस्थिति में टीम इंडिया की कमान स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के हाथों में होगी। रोहित शर्मा पारिवारिक कारणों से पहला वनडे नहीं खेल रहे, हालांकि दूसरे वनडे से वो टीम से जुड़ जाएंगे। हार्दिक पहली बार वनडे में टीम इंडिया की कप्तानी करते नजर आएंगे, इससे पहले उन्होंने T20 मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो नियमित कप्तान पैट कमिंस के न रहने से स्टीव स्मिथ ही टीम की कमान संभालेंगे। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे दोपहर 1:30 बजे से शुरू हो जाएगा। इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि फोन पर आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मैच का आनंद ले सकेंगे।
के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। आगरा के युद्ध में बाबर से 1527 में चित्तौड़गढ़ के राणा संग्राम सिंह प्रथम पराजित हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा शासकों के बीच 1782 में सलबाई का समझौता हुआ। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा सन 1959 में तिब्बत से भारत पहुंचे। भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने 1987 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। 1946 में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ। 1962 में भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हुआ। 1990 में बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल का जन्म हुआ था। वायरखंड में आज हम बात करेंगे स्मार्टफोन के लिए सुरक्षा परीक्षण के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे स्मार्टफोन के लिए सुरक्षा परीक्षण के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि @writer का एक रिपोर्ट दावा करता है कि भारत स्मार्टफोन के लिए नए सुरक्षा परीक्षण की योजना बना रहा है, पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स पर कार्रवाई करेगा। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह रिपोर्ट भ्रामक है। जैसा केंद्रीय मंत्री @राजीव गोवा ने बताया कि मोबाइल सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चल रहे परामर्श को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इंस्टाग्राम पर इस फीचर से खोजे और भेजे पुराना रील्स। मेटा के पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए एक नया फीचर लेकर आ रहा है। दरअसल कंपनी अब अपने यूजर के लिए ऐप पर पुरानी रील्स को तुरंत खोजने और दोस्तों के साथ शेयर करने को आसान बनाने जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट शेयर लेबल नजर आएगा या DM सेक्शन के टॉप पर नजर आएगा। यहाँ पर यूजर द्वारा किसी दोस्त को रील शेयर करने की जानकारी भी अवतार के रूप में डिस्प्ले होगी। हालांकि किसी एक ही रील को एक से ज्यादा दोस्तों को शेयर करने पर केवल लास्ट शेयर की जानकारी ही देखी जा सकेगी। इस फीचर की मदद से इंस्टाग्राम यूजर को रील्स रीशेयर करने में आसानी होगी। रील को किसी दोस्त को भेजने पर अगली बार के लिए भी इसे तुरंत एक्सेस किया जा सकेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कुमारी संजना, अभिषेक राज, अशोक कुमार झा, श्वेता रॉय, अंजना मिश्रा, पंकज कुमार दास, रामाशीष कुमार, HK मल्होत्रा, रंजीत सिंह, शंकर मुखिया, राजन कुमार, महमूद अंसारी, रवि कुमार राम, ललन कुमार, रवि शंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, टेस्ट सीरीज की ही तरह क्या भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में भी हराने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, आपको क्या लगता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।